नशे में बेटे ने अपने ही मां की हत्या कर दी, घाटकोपर पुलिस ने किया गिरफ्तार। तीस तारीख को सुबह 9:30 बजे के आसपास लोगों की इन्फॉर्मेशन पे हम लोगों को नेवी गेट के पास किरोड रोड पे एक शव प्राप्त हुआ, जो महिला का शव था और उसका हेड नहीं था, उसके घुटने के नीचे के पैर ये भी गायब थे। ऐसी बॉडी मिलने के बाद तत्काल हमारी पुलिस टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को हम लोगों ने बुलाया और आगे का इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहला विषय आइडेंटिटी निष्पन्न करने का था और उसके अलावा कौन आरोपी है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने शुरू किया। डिफरेंट टीम्स तैयार की गई थी और 31 तारीख को हम लोग को जो लोअर फुट्स थे घुटने के पीछे के नीचे के, वो हम लोग को ST डिपो कलई रोड उसके बगल का जो एरिया था वहाँ से हम लोग को उसकी रिकवरी हुई। और 4 तारीख को हम लोग को VB नगर एरिया में रेलवे स्टेशन के पास मयत का टेंटेटिवली मयत का सिर हम लोग को मिला, जिसका हम लोगों ने फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा हुआ है। DNA एक्सपर्ट्स का हम लोग राय ले रहे हैं कि जो इसी से जुड़े हुए भाग होने की शक्यता है। दरमियान के काल में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के लिए आइडेंटिटी निष्पन्न करने के लिए और आरोपी के लिए अपने जो टीम्स लगाई थी उनके माध्यम से साइंटिफिक एविडेंस प्लस लोकल माहिती के आधार पर हम लोगों ने एक आरोपी एक व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन के लिए जब उससे इन्वेस्टिगेशन किया, उनसे पूछताछ की, तो ये समझ में आया कि उसने ही अपनी मदर का मर्डर किया है और इस तरीके से बॉडी को पार्ट में करके उसने डिस्पोज ऑफ किया है। जो व्यक्ति है उसका नाम है मोहम्मद सुहेल सफी शेख, उसकी वय है 33 वर्ष, और जो मयत है उसका नाम है बदरुनिसा सफी शेख, उनकी वय 48 ईयर्स होती। दोनों ही साथ में रह रहे थे और आपस में उन लोगों का छोटे विषयों पे विवाद अक्सर होता था और उसकी वजह से उनमें काफ़ी अनबन थी। 28 तारीख की शाम के समय इन दोनों में जब झगड़ा हुआ तो जो एक्यूज्ड है उसने अपनी मदर का गला दबाया और उसके दरमियान जो मयत है डिसीज्ड है उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसने अगले दिन दोपहर में 29 तारीख की दोपहर के बाद उसने बॉडी को 3 भागों में काटा, उसको सेपरेट किया और 29 और 30 की रात में 3 राउंड्स में उसने बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह पे डिस्पोज ऑफ किया, जिसमें जो मेन बॉडी पार्ट था वो किरोड रोड पे मिला है, जो लिम्ब्स थे लोअर लिम्ब्स ऑफ लेग वो हम लोगों को कलई रोड के पीछे वाला जो एरिया ST डिपो का है वहाँ से प्राप्त हुए, और जो सिर है वो 4 तारीख को VB नगर में रेलवे स्टेशन के जो लाइन है उसके बगल से प्राप्त हुआ है। जैसा मैंने बोला कि डिफरेंट टीम्स इस पे काम कर रही थी और उन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके कौन हो सकते हैं कैसे हो सकते हैं इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये यूज़ करते हुए हम लोगों ने आरोपी एक संशयास्पद व्यक्ति को हम लोगों ने ट्रेस आउट किया और इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर हुआ कि उसने ये कृत्य किया है। कृत्य करने का जैसे मैंने बोला कारण उनके आपस के डिस्प्यूट थे और हत्या करने के बाद उस जो मदर का गोल्ड आइटम था उससे जो मालमत्ता उसको मिला उसमें उसने अपनी जो फ्रेंड है उसको कुछ पैसा दिया और जो कुछ पैसा था उससे उसने अपनी जो स्कूटी रखी थी गिरवी एक जगह पे वो लिया और उस स्कूटी का वापस उसने डिस्पोज ऑफ करने में किया, ऐसा निष्पन्न हो रहा है। आगे का इन्वेस्टिगेशन
और वेरिफिकेशन और जो एविडेंशियल कार्रवाई है वो शुरू है, योग्य रीति से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। थैंक यू। कोई और भी पुलिस मामला दर्ज है आरपी जो आरपी पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कोई और भी पुलिस मामला दर्ज है? नहीं, वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं अभी। जैसा मैंने बोला कि ये दोनों ही मदर और लड़का पहले कतार जाके आए हैं, इससे पहले वो लोग कतार में रहे हैं कुछ समय तक, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इन्वेस्टिगेशन में देखें। हथियार का क्या इस्तेमाल, किस हथियार का इस्तेमाल किया गया, मतलब इतनी निर्मम हत्या की गई, तीन टुकड़े किए गए, मीन्स इतनी क्रूर हत्या का कारण क्या, मीन्स एक बेटे की मां जैसे मैंने बोला आपको कि कारण इन लोग का आपस का डिस्प्यूट था, उसने जो घर में अवेलेबल साहित्य था उसका ही यूज़ किया है, नाइफ या इस टाइप का जो साहित्य है उसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन। क्या आरोप कुछ पता है, जिससे सब कह रहे थे बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड किया, क्या उसको इस तरह से जो हत्या की है कहीं से उसने देखा या सोशल मीडिया जिस तरह से हम देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल आ रहा है कि और भी जिस तरह सीरियल आ रहे हैं, क्या वो सब देख के उसने इस तरह से हत्या की है? सबूत ना मिले या ऐसा कुछ, तीन पार्टों में अलग कर दूंगा। बिल्कुल, जैसे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में पहले दिन ही 302 और 201 का सेक्शन लगाया था, क्योंकि बॉडी का एविडेंस ना मिले ये प्रयत्न आरोपी का शुरू से ही था, तो पुरावा नष्ट करने का प्रयत्न सीधे तौर पे इसमें दिख रहा है। और जैसा आप बोल रहे हैं आजकल के, या फिर कहाँ से एग्जैक्टली आइडिया आया है ये बोलना मुश्किल है, लेकिन डिस्पोज ऑफ करने में आसानी हो और पुरावा नष्ट करने में मदद हो, इस तरह ये माध्यम रखते हुए ये कृत्य किया गया है। नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं कि इसमें किसी और का, जैसा आप लोगों ने पूछा, वो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किसी और का इन्वॉल्वमेंट है क्या है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।